दाना बाजार होलसेल मार्केट मुमरा में पहली बार किराना बाजार आपके फोन पर। पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल कम दामों में मिलेगा, साथ ही शक्कर, दालें, चावल आदि सभी किराना चीजें मिलेगी। मुमरा स्टेशन से शील फाटा तक होम डिलीवरी, वो भी सेम डे। दाना बाजार ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। बच्चों के झगड़े में बड़ों में हुआ विवाद, मामला पहुंचा मारपीट तक, हाथ कर दिया बुरी तरह फ्रैक्चर। शील टाइगर पुलिस स्टेशन में हुआ मामला दर्ज, पुलिस ने किया आरोपियों को गिरफ्तार। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 5 तारीख यानी 5 नवंबर, 6 नवंबर, 2 दिन लगातार छोटे बच्चों के झगड़ों को लेकर के, विवाद को लेकर के बड़ों के बीच में झगड़ा हुआ। ये वारदात हुई है खरडी रोड स्थित फातिमा बिल्डिंग में। वहीं इसमें अब्दुल हक नामी व्यक्ति को इतना बुरी तरीके से मारा पीटा गया है कि उसके हाथ की हड्डी में 3 जगह फ्रैक्चर हो गए हैं। पहले 5 तारीख को मामला सुलह सफाई करके खत्म किया गया, मगर उसके बाद भी घर वापस लौटने के बाद एक गुट ने अब्दुल हक को पकड़ करके, कम से कम 20 से 25 लोग जिस तरीके से बताया जाता है, इतने लोगों ने मिलकर के अब्दुल हक के साथ मारपीट की, जिसमें ये अब्दुल हक का हाथ फ्रैक्चर हो गया। दोबारा मारपीट करने के बाद अब्दुल हक की शिकायत पर शिलडागर पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया। शुरू में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और बाद में अन्य 2 लोगों को भी गिरफ्तारी की गई है। इस पूरे मामले में अब्दुल हक के परिवार ने क्या जानकारी दी और क्यों पर यह झगड़ा हुआ है, क्या वजह थी, सुनेंगे, आप भी चौंक जाएंगे। छोटे बच्चे, कम उम्र के बच्चे आजकल कौन सी दिशा में जा रहे, इस वारदात की खबर के जरिए उसका भी आपको अंदाजा लग जाएगा। क्या नाम है, कल खड्डी गांव के पास झगड़ा हुआ आपके सालों का और कुछ मसला है सब छोटे साले का, तो क्या वारदात हुई आपके सालों के साथ, आप पूरी जानकारी दे सकते हो? जी, मेरा नाम निसार है। जो मसला ये हुआ कि मेरा छोटा साला था, कितने साल का है? 10 साल का। 10 साल। तो मेरी बिल्डिंग के सामने एक, जिससे हमारा विवाद हुआ, उनकी एक 10 साल की बच्ची है। तो मसला ये हो गया कि मेरे साले को उनकी लड़की ने मतलब कुछ आई लव यू बोला तो मेरे साले ने मना किया जी। फिर एक बार आई लव यू बोला तो उसने मना किया। फिर वो क्या हुआ कि वो लड़की खुद आई और आई लव यू बोली और उसको किस लेके भाग गई। तो ये बात तो उनके भाई को पता चली, उनकी माँ को पता चली, तो उनके भाई ने और उनकी मम्मी ने क्या किया कि वो मेरे साले को अपने घर में लेके गए ऊपर 4 माले पे और मारी और कमरे में बंद किए और बेल्टी बेल्ट से मारे। अच्छा। तो फिर क्या हुआ, मेरी बड़ी साली को जो है उनको पता चला और तो उन लोग गए बचाव के लिए। तो उन लोग के बचाव के लिए गए तो वो आपस में औरत लोग का मतलब हुआ। तो इतने में ये मेरा जो बड़ा साला है, इसको खबर पड़ी तो ये बीच बचाव के लिए वहाँ पे गए। तो इनकी हाथापाई हुई, तो फिर हाथापाई हुई तो फिर अचानक से 4-5 लोग आए, इनको मारे, देखो चोट जो लगी वो आपके सामने है जी। उसके बाद में हम लोग वहाँ से निकले और चौकी में आए, कंप्लेंट किए। चौकी में कंप्लेंट होने के बाद में ये हुआ कि वो भी जो है वो क्या नाम था उनका, जो आए थे एक जन, उन्होंने आरिफ भाई करके, हलीम भाई करके आए थे, उन्होंने सेटलमेंट कराया। तो मतलब वो भी पहचान के निकले गांव के आसपास के जी जी। तो हम लोग ने मतलब आपस में सेटलमेंट कर दिया कि चलो अपन भी एक ही जगह रहते, वो भी एक ही जगह रहते। नुकसान वगैरह हुआ था आपका जो? हाँ, मोबाइल वगैरह चले गया था इनका जी। तो उन्होंने, हम लोग ने सेटलमेंट किए, भाई जो तुम्हारा नुकसान हुआ है हम वो आपको दे देते हैं। पहली टाइम पे जब इनके ऊपर हमला हुआ जी, कितने लोग ने इनके ऊपर हमला किए? तकरीबन कुछ 6 से 7 लोग थे जी। जब हम लोग कितने बजे के टाइम पे हुआ था ये? कल ये 2:30 के बीच में हुआ था ये मसला, यानी कल जुम्मा नमाज के बाद फौरन हुआ था। फौरन हुआ था। और ये बच्चों वाला मामला कब से चल रहा है? ये कुछ 2 महीने से चल रहा था। लेकिन इस पे क्या, बच्चे थे तो हो जाता था तो समझा देते थे। तो ये मतलब ये अंदर ही अंदर 2 महीने, तो मेरा साला जहाँ पढ़ने जाता था, इनकी लड़की भी वहाँ पढ़ने जाती थी, तो मेरे साले का वहाँ पे पढ़ना जाना बंद करा दिए अरबी में, कि ये भाई छोटे में बड़ा विवाद ना हो जाए। तो हम लोग ने उनका जाना ही बंद करा दिए। फिर ये 2 महीने से ऐसा चल रहा था, फिर अभी कल जाके ये घटना अंजाम हुई। फिर सेटल होने के बाद
तो आपके दूसरे साले के साथ भी मारपीट हुई, तो वो क्या मामला है? सेटल होके चौकी से आप यहाँ टाइगर चौकी से आप भारत गेट आपके घर पे गए आपकी बिल्डिंग में, फिर खड्डी गांव में, तो क्या मामला हुआ फिर छोटे साले? मामला ये हुआ कि हम लोग जब यहाँ पे सब आजू बाजू के निकले, जब सेटलमेंट हुआ तो हम लोग यहाँ से सब चौकी से पेपर वर्किंग करके बोले अब यहाँ ख़त्म हो गया, आप अपने घर पे चलें। तो हम लोग जा रहे थे घर पे, तो जैसा हम लोग ने बिंडी के अंदर गली के अंदर जो एंट्री मारे, तो वहाँ तकरीबन कुछ नहीं तो 10 से 15 लोग पूरे हथियार के साथ में, बाम्बू तलवार ये सब के साथ में उन लोग फील्डिंग लगा के रेडी थे। तो उन लोग फील्डिंग लगा के रेडी थे, तो इनकी अम्मी जो कि मेरी सास है, उनके ऊपर उन्होंने गाली गलौज किया, उनके ऊपर उन्होंने गाली गलौज किया। ये बीच बचाव में गए जी, ये बीच बचाव, हाँ ये बीच बचाव में गए कि ये मतलब बड़ी अम्मा भाई, मेरी बड़ी अम्मा आए, तो फिर उनको छोड़ के अरे ये रिश्तेदार है साला, गाली दिए इसको मार के तोड़ दो। तो ये आपके सामने है, देखिए इनके तीन जगह से ये हाथ टूटा हुआ है, और ये यहाँ पे तलवार वगैरह भी मारी गई है। ये क्या नाम है आपका? अब्दुल हक। कितने बजे ये आपके साथ मारपीट की घटना हुई? ये सर मेरे साथ में 8:30-9 बजे के आसपास। कितने लोग थे? कम से कम 10 से 12 लोग रहे होंगे। तो काइस काइस आपसे हमला हुआ सर? बाम्बू था मोटा मोटा, वो फावड़े का आता है, वो सर को मैंने दिया है। अच्छा हाँ, और मेरे वो तलवार से मारे हाँ तलवार से मारे, मेरे बचाव के लिए मैं मारा तो उसमें धार नहीं थी करके मेरे को ऐसा लगा। हाँ नहीं तो फिर और ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी मेरे साथ में, लेकिन बीच बचाव में समझ लो एक आदमी ने मुझे बचाया, नहीं तो फिर मैं उधर से भाग के इनके घर में घुस गया, वो घर वालों लोग ने दरवाज़ा बंद कर दिया करके मेरी जान बच गई। हाँ नहीं तो मेरा सर हमला तो जान लेवा ही था मेरे साथ में। तो उसमें से कुछ लोग पकड़े गए अभी? अभी तो एफआईआर करने के बाद रात सर ने बताया कि 2 लोग को शायद से अरेस्ट किए हैं, अरेस्ट किए, जिसमें से कल जो मतलब जिनके साथ में सुलह हुआ था वो है। हाँ। और जो लोग मेरे साथ में अटैक किए थे वो लोग मेरे शायद किसी एक को अरेस्ट, बाकी लोग को अभी कार्रवाई बाकी है, बाकी लोग की कार्रवाई भी बाकी है। तो अभी भी हमारी फैमिली को जान का खतरा है, इसके लिए मैंने अपनी फैमिली को जो है दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया, क्योंकि कल सुलह होने के बाद फिर से अटैक हुआ, और अभी भी हमको मतलब ऐसा लग रहा है कि हमारी जान को अभी भी खतरा है। क्योंकि अभी केस करने के बाद वापस हम लोग जाएं फिर अटैक के, तो ये डर से हमने अपनी फैमिली को, दो ही जन पकड़े गए बाकी, हाँ तो बाकी आजाद हैं, अभी तो 2 ही अरेस्ट हुए, 10-15 जन थे, इसमें से 4 जन का नाम हमको मालूम था तो हमने बताया, बाकी आरोपी तो अभी घूम ही रहे हैं, तो अभी भी हमको खतरा है कि मतलब हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, तो हमने वहाँ पे रूम बंद करके। पुलिस प्रशासन से क्या अपील करोगे वरिष्ठ अधिकारियों से? अब पुलिस प्रशासन से सर यही उम्मीद है कि हमको इंसाफ दिया जाए, हमने जो कंप्लेंट की है और आरोपी हमारे अरेस्ट किया जाए, उनको सजा मिले, बस हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमको भाई इंसाफ मिले, हम इंसाफ चाहते हैं।